कोरोना महामारी के खिलाफ भारत को एक और सफलता मिली है। देश की पहली नेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ये भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। नेजल वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए 18 प्लस आयु वर्ग के लिए प्राथमिक टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कैसे काम करती है नेजल वैक्सीन? नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाता है। ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। इसे ज्यादा कारगर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कोरोना समेत हवा से फैलने वाली अधिकांश बीमारियों के संक्रमण का रूट प्रमुख रूप से नाक ही होता है और उसके अंदरूनी हिस्सों में इम्यूनिटी तैयार होने से ऐसी बीमारियों को रोकने में ज्यादा असरदार साबित होती है। नेजल वैक्सीन के फायदे। इंजेक्शन से छुटकारा। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण होने का खतरा घटेगा। इंजेक्शन से छुटकारा होने के कारण हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बच्चों को टीकाकरण करना आसान होगा। उत्पाद आसान होने से दुनिया भर में डिमांड के अनुरूप उत्पादन और सप्लाई संभव।